बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम मोहम्मद शफीक है, आप मेरा चैनल देख रहे हैं इन्फोटेक एमएस। आज की वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास जीसीसी या सऊदी अरेबिया का ड्राइविंग लाइसेंस है, लाइसेंस नंबर 3 की बात कर रहा हूँ। अगर आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस है और आप अपने लाइसेंस को कन्वर्ट करवाना चाह रहे हैं दुबई के लाइसेंस में, तो कुछ स्टेप्स हैं उनको आपने फॉलो करना है। पर सबसे पहले मैं आपको इसके चार्जेस बताऊंगा, कॉस्ट बताऊंगा कि आपकी टोटल कॉस्ट कितनी आ सकती है। अगर आप फर्स्ट अटेम्प्ट में ही लाइसेंस हासिल कर लेते हैं तो आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो आएगी 1800 दिरहम से लेकर 2200 दिरहम तक। इसमें इंक्लूड क्या है? इसमें आपका फाइल ओपनिंग के चार्जेस हैं, आई टेस्ट के चार्जेस हैं, नंबर 3 आपका लर्निंग परमिट, थ्योरी टेस्ट, रोड टेस्ट, आपका लाइसेंस इशू और उनके सर्विस चार्जेस, ये 7 चीज़ें ऐड हुए हैं इसमें 1800 में से लेकर 2200 दिरहम तक। अगर आप फेल हो जाते हैं थ्योरी टेस्ट में या फेल हो जाते हैं आरटीए के फाइनल रोड टेस्ट में, तो आपको फिर एक्स्ट्रा चार्जेस पे करके अपना आरटीए का फाइनल टेस्ट जो है वो अगेन बुक करना पड़ेगा। रिक्वायरमेंट्स क्या हैं इसमें? आपको 5 रिक्वायरमेंट्स पूरी करनी है। नंबर 1, आपके पास पासपोर्ट की कॉपी होनी चाहिए। नंबर 2, वीज़े की कॉपी। नंबर 3, एमरस आईडी आपका। नंबर 4, आपका वैलिड लाइसेंस होना चाहिए, जीसीसी सऊदी अरेबिया का लाइसेंस। नंबर 5, लास्ट आपका एनओसी लेटर, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। ये 5 चीज़ें आप कंप्लीट करते हैं तो आप किसी भी स्कूल में, ड्राइविंग स्कूल में अपनी फाइल इजीली ओपन करवा सकते हैं। तो किसी किस्म का आपका कोई और क्वेश्चन हो या आपके माइंड में कोई और क्वेश्चन आ रहा हो तो वाया ईमेल आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नंबर भी मेरा व्हाट्सएप का मेंशन है डिस्क्रिप्शन में, आप वाया व्हाट्सएप भी मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। जाते जाते इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि मैं आप लोगों के लिए ऐसी मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस बनाता रहूं। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगेबान।